हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं CELC से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि आजकल बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। और उस फ्रॉड के चक्कर में हमारे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि सर आप पैसा ले लिए हैं, अभी तक CLC का ID नहीं दिए हैं, या फिर CLC का ID दे दिए हैं बट उसका जो एरिया कोड है या फिर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट डिटेल्स जो आप नहीं दिए हैं, जिसके कारण मेरा CELC में लॉगिन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट मैं इस सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास कोई ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं है जिसके हेल्प से मैं किसी को भी CELC का ID दे सकूँ या फिर CELC से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोसेस बता सकूँ जिसके हेल्प से आप CELC का ID प्राप्त कर सकें। केवल मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताता हूँ कि कैसे CELC ऐप काम करता है या फिर CELC के हेल्प से आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आधार का मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं या फिर किसी का नया आधार कार्ड बना सकते हैं जो कि 1 से 5 साल के वर्ष का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास जो CELC की एप्लीकेशन है वो इंडिया पोस्ट के माध्यम से मिला हुआ है, क्योंकि मैं इंडिया पोस्ट का एम्प्लॉई हूँ। केवल मैं अपने वीडियो के जरिए से ये बताना चाहता हूँ जो अदर इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉई हैं वो कैसे इस एप्लीकेशन पे काम करेंगे और क्या क्या सुविधा हैं इस एप्लीकेशन के, ना कि ये बताता हूँ कि आप कैसे CELC का ID लें या फिर CELC से रिलेटेड किसी से पैसा नहीं लिया हूँ या फिर CELC का ID देने के लिए मैं किसी से पैसे की मांग की है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो कृपया करके आप उसे ही रिपोर्ट करें, ना कि किसी और को दोषी ठहराएं। नेक्स्ट मैं बता दूं कि CELC का ID, आप ID लेने के लिए आप किसी को भी पेमेंट ना करें। अगर मेरे पास ये सुविधा मिल जाती है कि कैसे हम CELC का ID प्राप्त करेंगे, तब मैं आपको ईजिली जल्द से जल्द शेयर करूंगा, ना कि कोई फ्रॉड जानकारी आपको इस वीडियो के या फिर किसी अदर वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। एट लास्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।